शायरी जब आप सुनेंगे तो जिस तरीके से मजदूर का हक उसका पसीना सूखने से पहले अदा कर देना चाहिए, उसी तरह शायरों जब शायर या कवि कोई अपना कलाम यहाँ पढ़े तो आपको चाहिए कि जो शेर आपको अच्छा लगे, कम से कम जो आपके समझ में आ जाए, उस पर आप उसको दाद दीजिए, उसकी हौसला अफजाई फरमाइए, ताकि उसको पढ़ने में मज़ा आए, आपको सुनने में मज़ा आए। ये शायरी एक लुत्फ़ का नाम है, एक खलकियत की कैफियत का नाम शायरी है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी की कैफियत का नाम शायरी है, और शायरी की एक कैफियत का नाम गज़ल है, गज़ल की एक कैफियत का नाम मोहतरम पुष्पेंद्र पुष्प साहब है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। सभी को मेरा नमस्कार। शायरी दिल से निकलती है, जहन से नहीं, ये भारत भूषण पंत दादा ने खूब सिखाया है हम सबको। उन्हीं के सानिध्य में, उनके जन्मदिन के पावन अवसर पर आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। कविता, गज़ल, नज़म, रुबाई, मुक्तक कोई भी विधा हो सकती है, उसमें हम अपने भाव, अपनी बात अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी शैली से रखते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे शायर हमारे सामने बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कवि हमारे सामने बैठे हुए हैं, जो अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बात रखते हैं। मैं अपनी बात रखता हूँ, चार मिसरों से शुरू करता हूँ। सावन भाई के, उनकी नज़रों से जो उतर जाए, उनकी नज़रों से जो उतर जाए, वो गमे दिल भला किधर जाए। उनकी नज़रों से जो उतर जाए, वो गमे दिल भला किधर जाए। और उसका जीना फजूल है यारो, जिस बशर का ज़मीर मर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और चार मिसरे देता हूँ के तरन्नुम में सुन लीजिए। अपनी आँखों में समंदर को सजाया हमने, अपनी आँखों में समंदर को सजाया हमने, अपनी आँखों में समंदर को सजाया हमने, एक खतरा भी मगर हाय न पाया हमने। वक्त बदला तो सभी फूल बन गए कांटे, वक्त बदला तो सभी फूल बन गए कांटे, यूं तो गुलशन को खिजाओं से बचाया हमने। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ शेर और हाजिर करता हूं कि खोना क्या है, पाना क्या है, खोना क्या है, पाना क्या है, अब तक हमने जाना क्या है। खोना क्या है, पाना क्या है, अब तक हमने जाना क्या है। आहें, आंसू, गम, बेचैनी, आहें, आंसू, गम, बेचैनी, उल्फत का नजराना क्या है। आंखें, आहें, आंसू, गम, बेचैनी, उल्फत का नजराना क्या है। और कुछ यूं के नगमे अजीब रोज सुनाते रहे हैं हम। इंसानी फितरत को बयां करने की कोशिश है। नगमे अजीब रोज सुनाते रहे हैं हम, नगमे अजीब रोज सुनाते रहे हैं हम। मुकेश सर, बस दूसरों के ऐब गिनाते रहे हैं हम। शेर सुनिए कि खुद को कभी करीब से जाना नहीं मगर,
दावे बहुत बड़े बड़े हैं। खुद को कभी करीब से जाना नहीं मगर कहने को इस जहां से निभाते रहे हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे देर से सुना।